ये पता नहीं बाहर कहाँ हो आया, चोट लगवा के लिया आया। और भाई मेरी गाड़ी थी थोड़ी स्पीड में थी और लग गई, पर बम्पर का अच्छा खासा काम हो गया, नीचे से ग्रिल प्रिल टूट गई और धीरे धीरे खुलती जा रही है तो और खर्चे निकलते जा रहे हैं। डरा मेरे को, पूरी नई गाड़ी की ऐसी तैसी फेर दी आगे से। हाँ जी, तो क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त अभिषेक। सो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग इतने लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई सुबह लेट हो रहे थे, हमें जल्दी जिम विम जाना था, तो अभी कर कुरा के हम आके बैग वैग उतार के अपना नीचे कुछ लेने गया था सामान और वो मिला नहीं, फिर मैं सीधा सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मम्मी का कॉल भी आया था मेरे पास, इस बेचारे चोट लगी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, पता नहीं सुबह क्या करने गया था, पापा के साथ घूमने गया था तो पापा ने इसको खुले में छोड़ दिया। ये देखो उसके खून निकल रहा है, अभी आते इसके दवाई वाई लगाई है, अभी दवाई लगने नहीं दे रहा, चाट रहा है बार बार। बताता हूँ आज क्या सीन है क्या नहीं। ये पता नहीं बाहर कहाँ हो आया, चोट लगवा के लिया आया। तू है हवाबाजी करने से फुर्सत नहीं मिलती तेरे को है, ये चोट का लगवा के लाया कितनी कैसी चोट ले, चल दवाई लगी हुई है, चाट मत। हाँ चाट नहीं है, लेट जा चुपचाप। नहीं नहीं चाट रहा था, दवाई लगा रखी है ना, दवाई लगा रहा हूँ तो चाट रहा है उसको, हवाबाजी करता फिरता है ये बिना बात में, बड़ा शरीर बड़ा है ना तो दिखाता है कि देखो मेरे से कोई भिड़के दिखाओ, यू करता है ये आराम में। कहीं जाना है अभी, पहले नहा लेता हूँ, देखो पसीनों बुरी हालत हो रखी है भाई, जिम से आके सीधा पसीनों वसीने बुरी हालत हो रखी है। सो अभी मेरे को कहीं जाना है तो अभी चलते हैं नहा वहा के और आपको दिखाता हूँ फिर कहाँ जाना है मेरे को, तो पहले नहा लेते हैं, एडवेड होके निकलते हैं फिर और वहीं पे दिखाता हूँ आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, ऐसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था बेचारे, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा इससे, इसके पैर में नहीं चाट मत, चाटना नहीं है इसको, चाटना नहीं है तो इसको बार बार दवाई लगानी पड़ रही है, इसको खाना भी नहीं खाया जा रहा, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चोट लगवा लाया है ये बेचारा, अभी चोट लगी पड़ी है इसकी, बाल उतरे पड़े हैं, अभी खाना भी नहीं खाया जा रहा था, मैंने इसको हाथों से खाना खिलाया, इसको खड़ा नहीं हुआ जा रहा इससे बेचारे से। अब देखो दवाई ववाई लगाता हूँ और फिर कपड़े वपड़े पहन के अपना एक काम करने जाना मेरे को, जनकपुरी पे काम है का कुछ, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले इसको दवाई ववाई देता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चलते हैं। बैठ जा, सो जा आराम से, है इस वाले पैर में इसके, अभी दवाई लगाई थी नहीं, इसके जगह जगह पे लगी पड़ी है चोट, पता नहीं यहाँ पे भी लग रही है, पैर पे भी लग रही है, कहाँ गया सुबह कहाँ नहीं गया था ये, पता नहीं धक्के खाता घुमाई मेरी की, बताओ यार कुछ बोलो तो मेरे ऊपर आ जाते हो। कपड़े पहन के निकलते हैं अपना, है गाड़ी लेके गया था कहीं किसी काम से, तो भाई अब सीन क्या हो गया था, आगे मेरे चल रहा था ऑटो वाला, उस ऑटो वाले ने एकदम से ब्रेक मारी और भाई मेरी गाड़ी थी थोड़ी स्पीड में थी और लग गई भैड़, भाई बम्पर का काम चल रहा है देखो बम्पर, मैं सोच रहा था वहाँ पे कंपनी में दिखाऊं, पर फिर मैंने सोचा कि यार कंपनी वाले, फिर मैंने किसी से पूछा, मेरा कोई दोस्त वगैरह मारुति के उसमें काम करता भाई का भी, तो वो कह रहा भाई मत यहाँ से तो मत ही करवा भी, क्योंकि यहाँ पर क्या सीन है, एक एक महीने बाद गाड़ियाँ दे रहे हैं, तो कोई जानकार हो मैकेनिक वगैरह उनसे करवा ले, कोई इशू नहीं है, बाकी अगर कुछ वैसे क्लेम वगैरह चाहिए होता है तो क्लेम वगैरह ले ले, मेरा भाई कह रहा है इतनी सी चीज़ पर क्लेम क्या ही लूँ, पर बम्पर का अच्छा खासा काम हो गया, नीचे से ग्रिल प्रिल टूट गई, दिखाता हूँ। हाँ मेरे को मतलब गाड़ी लगी ना, लगने के बाद वो कह रहा कि भाई मेरे ऑटो में खर्चा आ गया। हाँ साले इसमें कूलेंट निकल गया और ये निकल गया और ऊपर से अपने ऑटो का खर्चा गिनवा रहा है तू, मैं भाई जनकपुरी से एक और क्या गर्मी में सड़ूंगा क्या। अभिषेक भाई है मेरे नाम का बंदा। और ये आशु है, मेरे क्लासमेट है, इसने वर्कशॉप खोल रखा है अपना,
सर यहाँ पे दादा देव के पास है ना, श्री राम मंदिर के पास है। हाँ, देखो क्या खर्चा आ गया गाड़ी में, पूरा रोट वाले ने दे के मार दिया अच्छे से। अब ये भाई ठीक करेगा। भैया ये मेरा क्लासमेट है आशु, ठीक है, किसी को काम कराना हो तो इसके पास आ जाना, दादा देव के यहाँ पे। और एड्रेस बताइए दादा देव के यहाँ पे क्या है। ये अपोजिट श्री राम मंदिर, दादा देव कॉलोनी। हाँ, यहाँ पे आ जाना भाई, ठीक है। और धीरे धीरे खुलती जा रही है तो और खर्चे निकलते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या तोड़ दिया उसने, बाकी इसको अब खुल रही है, अब धीरे धीरे करके निकल रहा है काम के क्या क्या है खर्चा इसमें। और ये जो मेरा दोस्त है, क्लासमेट है था मेरा, तो इसकी शॉप था, इसका खुद का बिजनेस था, पुरानी बिजनेस है इसका काफ़ी ये, तो अब ये क्या सही था, बाकी और भी काम करवाए हैं इससे हमने, मतलब अच्छे काम करता है बिल्कुल ही। अब मैं इसको पास बहुत दिनों बाद गाड़ी का सीन हुआ, अब मैं इसके पास आया हूँ, तो बढ़िया काम करता है वैसे तो। अब ये देखो, ये भी कह रहा है कि देख सकता हूँ, जितना हो सकता है करूँगा, बाकी तेरे को बता दूँगा, थोड़ी देर खड़ा रहा, देखता हूँ क्या क्या खर्चा निकलता है इसमें और बताता हूँ तेरे को मैं। हाँ, घर चला गया था, अनुराग आ गया था मेरे को, अनुराग को बुला लिया था मैंने कि भाई घर छोड़ दिया मेरे को, क्योंकि गाड़ी की हालत तो गई। तो अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी कैसी खड़ी हुई है, ये देखो ये गाड़ी, ये इतना खर्चा क्या आता है, एक ऑटो वाले की गलती की वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है मेरे को, पूरी नई गाड़ी की ऐसी तैसी फेर दी आगे से। क्लेम लेने को ले रहा था मेरा भाई, कह रहा था क्लेम मत ले, क्योंकि इतनी सी चीज़ के लिए क्लेम वलेम तो छोड़ दे, कुछ आगे जाके अभी तो नहीं आएगी, क्योंकि आगे कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए, पर अभी क्लेम मत ले, अभी रहने दे, ऐसे ठीक करा ले, तो इसलिए मैं ऐसे ठीक करा रहा हूँ। और ये जो मेरा दोस्त हैगा, इसकी कंपनी में भी सीधा डायरेक्ट बातचीत है, तो अगर मेरे को कुछ चाहिए वही होगा तो वैसे ही डलवा सकता है ये, बिना उसके कंपनी में गए हुए या कुछ भी, या कंपनी से ही कुछ ठीक कराना मेरे को, तो ये वैसी बातचीत करवा सकता है। तो अब देखो ये गाड़ी कब तक देता, गाड़ी कब तक नहीं, क्या खर्चा बैठता पता नहीं। और वो कह रहा तू, तेरे लिए तो सब कुछ आराम से कर दूँगा, तू दिक्कत मत ले, अपने घर जा तसल्ली से, ठीक ही होकर मिल जाएगी तेरे को गाड़ी। तो भाई मैं घर चला जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बाकी वो गाड़ी पीछे खुली तो घर चलते हैं अब। चलो फिर, जस्ट मैं अभी घर आया था थोड़ी देर पहले ही, नहाया वाया क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने में हो गया था, बाहर था, गाड़ी वाड़ी देख रहा था यार अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया। वो जो होता है ना जब बोनट, उसका मतलब लोहा जो लगा ऑटो का, तो उसने अंदर तक उसकी ग्रिल तोड़ दी थी, ब्लैक कलर की जो होती है, और उसके अंदर एक फ़ैन होता है वो भी टूट गया था अंदर से, और रेडिएटर होता है तो, और रेडिएटर के पीछे तक का मतलब ज़्यादा ज़ोर से ही टक्कर लगी थी। तो अब मतलब ऑटो के तो कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरा नुकसान ज़्यादा हो गया। अब देखो कितना खर्चा क्या आता है, और घर पे तो मैंने बताया ही नहीं है ये सब चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब देख, मैं सोच रहा हूँ घर पे अभी थोड़े एक दो दिन ना बताऊँ, और बोलूँ दोस्त के घर खड़ी है गाड़ी, उसके बाद रिएक्शन लूँ मम्मी का बता के कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी लग गई थी और ऐसे ऐसे हो गया था, और मम्मी का रिएक्शन लेके अपने मेन चैनल पर डालूँगा, ठीक है। तो अभी देखो गाड़ी का थोड़ा सा देखने दो, वो कह रहा है कि अभी रिक जाओ, पूछता हूँ कंपनी में सामान मिलता है क्या नहीं, तब जाके तेरे को बताऊँगा कि हाँ हो जाएगी, कितने दिन में होगी गाड़ी, जब बताऊँगा तेरे को। तो और मैं क्लेम ले सकता था पर मैंने लिया नहीं, मैं क्योंकि भाई भी कह रहा था कि, भाई को बताया मैंने और भाई भी कह रहा कि क्लेम मत ले, और मैंने कहा भाई घर पर मत बताइए अभी ऐसा कुछ सीन ना करे, कल को ऐसा कुछ हो जाए तो इसलिए अभी क्लेम मत ले, नहीं है तो आगे जाके क्या पता ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, पर अभी मत ले क्लेम, इसी में करवा ले। तो अभी मेरा दोस्त है, उसकी सीधा मतलब कंपनी का ही सामान डालेगा उसमें, और वही देखो कब तक देता है कब तक नहीं देता, बाकी जो रिएक्शन वीडियो आएगी वो मेरे मेन चैनल पे आएगी, और मैं एक दो दिन में डाल दूंगा, जब एक दो दिन में क्या हुआ, जब ब्लॉग डलेगा उसके एक दो दिन में डाल ही दूंगा, देखते मम्मी का रिएक्शन क्या होगा, और फिर अगर मम्मी ने पापा को बताया तो पापा का भी रिएक्शन देखते क्या होता है, गुस्सा तो होंगे पर देखो। तो व्लॉग एंड करते हैं, भाई बहुत दिमाग ख़राब हो गया था भाई ये सीन देख के, भाई फालतू की भड़क, मतलब उसने बम्पर निकाला इतना कुछ, यार बहुत दिमाग ख़राब हो गया। तो अब देखते हैं, तो यहीं व्लॉग एंड करते हैं, मेरे को तो वहीं चक्कर लग गया था, टाइम लग गया था, अब व्लॉग एंड करते हैं, ऐसे ही आते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो लव यू, टेक केयर, बाय। और भाई सेफ रहो अपना, क्योंकि मेरे जो मेरे साथ जो ये हुआ है, बिना बात की भड़क हुई है मेरे साथ, बिना बात की भड़क, क्या ही बोल सकता हूँ। और देखो कब तक गाड़ी ठीक होती है कि, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।